सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ अपना 2022 का आर्ट कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा। एंड हाँ, मैं जब ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे को इंट्रो वापस शूट करना पड़ रहा है, आपको पता चल जाएगा क्यों। एंड या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कैमरा एंगल्स का इशू है। तो या चलते हैं वीडियो की तरफ एंड लेट्स सी। सो अभी आपने देखा आपने लापरवाही का नतीजा देखा होगा। रिसेंटली मैंने ये पोस्ट किया था अपने इंस्टा पे, या आपने देखा होगा मेरे को फॉलो करते हो तो ये वाला वर्क था वो 2022 में। ये भी एक बनाया था एक्सपेरिमेंटल। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने बाद में इसको वापस मन किया कि कंप्लीट कर देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, चलो कैसा ना कैसा करके। एंड फिर ये कंप्लीट हुआ था। एंड सो या ये वाला वर्क था एक्सपेरिमेंटल था। ये फोर में विल स्मिथ का मैंने पहली बार कलर पेंसिल से ट्राई किया था, तो ये रहा वो वर्क। एंड नेक्स्ट आता है ये वाला, अगर आपने देखा होगा तो इसका वीडियो भी मैंने शायद डाला था, ज्वेलरीज का। एंड फ्री हैंड ट्राई किया था क्योंकि इस साल मैं ज्यादातर फ्री हैंड पे ध्यान दे रहा हूँ। बस बेटा, एंड फ्री हैंड में चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला भी देख सकते हो आपने, वैली लिस्ट का जो फ्री हैंड वर्क मैंने बनाया था वो वाला है। इसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिनका मैंने वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं बस वो स्टडी के लिए बना रहा था। तो ये वाला वर्क है वो देख सकते हैं, ये वाला जो वर्क है ये भी सेम है। इसमें भी मैंने ट्राई किया था कि जो स्मूथ स्किन है वो मैं अच्छे से ला पाऊँ, वर्क कर पाऊँ। शायद कैमरा नहीं देख पा रहा है इस वक्त, तो आपको क्या दिख रहा होगा वो मेरे को नहीं पता अंदाजा। तो हाँ, ये बहुत शाइन भी मार रहा होगा अगर आपको दिख रहा है तो, क्योंकि ये फुल ग्रेफाइट है तो इसलिए शाइन बहुत मारता है। नेक्स्ट वर्क है इल्यूमिनाटी का, किया तो मैंने डाला रहा। एंड काफी इसका रिस्पांस अच्छा मिला था इंस्टाग्राम पे मेरे को। एंड नेक्स्ट वर्क है ये वाला भी मेरे को बहुत पसंद आता है, काफी स्मूथ शेडिंग किया था इसमें मैंने। इस साल मैंने ज्यादा फुल ग्रेफाइट और मीडियम पे वर्क किया, उससे मेरा क्या फायदा। ओके, सो ये वाला वर्क आपने देखा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये डाला था। एंड ओके बनाया था, इतना ज्यादा पसंद नहीं आता मेरे को क्योंकि वाटर कलर पेज पे बनाया था। कोल्ड प्रेस वाटर कलर पेज आप कभी भी यूज मत करना। अच्छा ठीक है, ग्रेफाइट के लिए स्पेशली मत करना, इससे अच्छे और भी पेपर आ जाते हैं तो आप यूज कर सकते हो उसको, क्योंकि उसमें टेक्सचर दिखता है इसलिए फिर थोड़ा सा अनइवन लगता है अगर आप बहुत ज्यादा रियलिज्म का एम लगा रहे हो तो। वो नेक्स्ट वर्क अगर आपको दिख रहा है तो ये बहुत मेरे को बहुत पसंद आता है। ये भी कोल्ड प्रेस पेपर है, अगर मैंने इसको कोई अच्छे दूसरे पेपर में बनाया होता तो इतना रफनेस भी नहीं होता इसमें और ज्यादा अच्छा बनता। जैसे मैंने फेब्रियानो में जो अभी वर्क्स गए उसमें फेब्रियानो में यूज किया था। तो ये रहा वो वर्क है, ये छोटू सा वर्क आपको दिख भी रहा है। तो इसको मैंने चारकोल से बनाया था, ऐसे ही फोटो क्या बोलते हैं मन किया तो बस ऐसे बना लिया, वो वाला टाइप का वर्क है ये। सो नेक्स्ट वर्क है ये वाला पेपर को मैंने चूज करके बहुत बड़ी गलती की थी इसमें आइवरी जैसा कुछ जैसा जो नॉर्मल स्टेशनरी में जो पेपर मिलता है उसमें मैंने बनाया था। तो यहाँ पे जो लिंसिड ऑयल का मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था बैकग्राउंड का, वो थोड़ा सा खराब हो चुका है अभी। तो जब भी आप लिंसिड ऑयल यूज करो तो याद रखो कि पेपर आपको अच्छा ही चूज करना है, फेब्रियानो यूज करो या कोई सा भी कोई अच्छा पेपर चूज करो जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज ना हो पेपर वाला था। इसमें मेरे को खुशी भी हुई थी और थोड़ा सा वो भी हुआ था कि डिसकंफर्ट फील हुआ था कि मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया था। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये बहुत मैंने जल्दी खत्म किया था, बट ऑल ओवर काफी सही था। नेक्स्ट वर्क मून नाइट का मैंने बनाया था, इसका वीडियो बहुत अच्छा बना था बट मेरे को इसमें एक ही प्रॉब्लम लगी थी, कोल्ड प्रेस पेपर। ओह गॉड प्लीज नो नो नो। चारकोल यूज किया है इसमें, कलर पेंसिल का मैंने थोड़ा मिक्सचर करके थोड़ा सा देने की ट्राई की है। इसमें 3D इफेक्ट बहुत अच्छे से आया है। बात करते हैं इसकी, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो आप ये जो फोल्ड है ना, ये फोल्ड आप मत करना, इससे अच्छा फ्लैट कर देना पहले पेज को अच्छे से फिर ही बनाना, क्योंकि अगर ये फोल्ड रह जाएगा फिर हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, इसको आप सीधा नहीं कर सकते। अगर पहले ही सीधा कर लेते हो तो बहुत अच्छा दिखता है। अरे कहना क्या चाहते हो, ज़िनेदीन ज़िदान का मैंने ये ड्रॉइंग बनाया था। एंड ये था जो वर्क आपने शायद देखा होगा, अभी जो रिसेंटली मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था उसका वर्क बना था ये। हालांकि मैं टॉप 5 में ही आ पाया उसमें, टॉप 1 या टॉप 2 में मैं फिनिश नहीं कर पाया था।
बट मेरे को ये काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्क है ये, ये मैंने जूमिस मेथड से बस ऐसे ही स्टडी के लिए बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा यहाँ पे क्लोथ्स में काम नहीं किया है, बाकी चीजों में नॉर्मल शेडिंग करके ही प्रैक्टिस वर्क कह सकते हो आप। बट ये काफी अच्छा लगा तो मैंने इसमें डाल दिया इसको। एंड जो कलर वर्क की बात करते हैं तो ये वाला मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, मजा आया आता है। लाइक ये बहुत 3D टाइप इफेक्ट देता है आपको, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव पिक भी है और लाइन का पिक है, तो बहुत वाइब्रेंट मैंने इसमें कलर्स यूज किए। एंड वही सेम गलती जो मैंने इसमें भी की है, आइवरी पेज यूज किया है जो नॉर्मल स्टेशनरी में मिलता है। उसमें हुआ क्या कि मैं सब कुछ ग्रेफाइट से बना रहा हूँ, सब कुछ जब ग्रेफाइट से बना हुआ ना तो फिक्सेटिव है ना वो इतना थोड़ा सा इसको डल बना देगा। क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? दो वर्क आते हैं ये, इसको प्रैक्टिस के लिए ही बनाया है मैंने। ज्यादातर इसको मैं प्रैक्टिस के लिए प्रीफर करता हूँ। जो कोल्ड प्रेस पेपर्स है मेरे पास, मैंने वाटर कलर के लिए कोल्ड प्रेस यूज नहीं किया, मैंने यूज किया पेंसिल के लिए। तो हाँ मैं गलती अभी नहीं करूंगा, मैं वाटर कलर को वाटर कलर के लिए प्रीफर करूंगा। बाकी ये ड्राइंग था, ये भी फ्री हैंड स्टडी है, आप देख सकते हैं नॉर्मल एक फ्री हैंड स्टडी ड्राइंग है। इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लाइक ओके टाइप्स 5-6 आवर्स में बन गया था। ये रहा नेक्स्ट वर्क। इसमें मेरे को ये वाला पार्ट ज्यादा पसंद आता है, जो वॉच वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से बना है, काफी रियलिस्टिक लगता है ये वाला। एंड इसमें मैंने ब्रूट फनर की एक पेंसिल दी थी, कलर पेंसिल्स, तो वो यूज की थी। तो क्या ये अगर आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट ने ऑलरेडी बना रखा है, या तो जूनो ड्राई का अगर आपने वर्क देखा होगा बहुत पुराने वाला, उस टाइप का ये कंपोजिशन है। हालांकि ये वर्क कोई सेंस नहीं बनाता, बट हाँ एक इल्यूजन टाइप ठीक है, लाइक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इल्यूजन की तो के वर्क से। ये वाला मैं कुछ नहीं कहूंगा, खाली आप देख लीजिए बस। इसमें मैं व्हाइट टोन बनाने की ट्राई कर रहा था बट नहीं बनी मुझसे, इतनी अच्छी नहीं बनी। मैंने कभी शेयर नहीं किया है, आज मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला मैंने वर्क बनाया था बेली एलिश का, फ्री हैंड भी था ये भी, बट इसमें भी कोल्ड प्रेस पेपर वही पुरानी गलती, कोल्ड प्रेस पेपर में ये वर्क नहीं ऊपर के आता है। नेक्स्ट वर्क है ये भी मैंने शेयर किया था इंस्टा पे। एंड या इसमें भी ठीक ठाक है, लाइक इसमें मैंने शायद फुल ग्रेफाइट से पहली बार ट्राई किया था कि हेयर्स को मैं फुल ग्रेफाइट से बना। प्लेट वर्क्स जो कि आप देख सकते हैं, ये पता नहीं इसमें मजा बहुत आता है जब आप ऐसे वर्क्स बनाते हो ना, तो इसमें बहुत अच्छा दिखता है। लाइक ये छोटा सा हाथ में पकड़ा हुआ, ऐसा किसी को दिखाना होगा आपको पोर्टफोलियो, तो आप ऐसे टाइप्स के वर्क्स बना सकते हो। नेक्स्ट वर्क है ये वाला काफी लोगों को पसंद आया था ये वाला। इसमें काफी गलतियां भी है जो मेरे को अब दिख गई है, क्योंकि बहुत पुराना वर्क हो गया है, लाइक ऑलमोस्ट 5 months पुराना। नेक्स्ट वर्क है ये, इसमें भी नो कमेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। इसमें हेयर्स मैंने अलग से बनाया था, तो ऐसा लग रहा है कि स्किन टोन के साथ वो मैच नहीं कर रहा। एंड जो नेक्स्ट वर्क है ये वाला है, ये भी प्रैक्टिस वर्क है, कभी शेयर नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत रॉ रखा है मैंने चीजों को, लाइक सिर्फ एक्सप्रेशन बताने की ट्राई की है, पोस्चर बताने की ट्राई की है। ये जॉर्डन पीटरसन का, क्योंकि मैंने फैब्रिस द आर्टिस्ट को देख के बनाया, लाइक उनका वर्क पहले देखा फिर मैंने रेफरेंस चूज की और बनाए। एंड ये भी काफी ठीक ठाक बना था। होगा मेरे 1 year जर्नी कंप्लीट हुआ था, तो तब मैंने आपको ये वाला वर्क ऑलरेडी दिखा रखा है, क्योंकि आप देख रहे हो। अरे हाँ, तो ये वाला वर्क जो आप देख रहे हो, ये वाला उसी दिन बनाया था 1 year कंप्लीट, बट ये जनवरी में ही मैंने स्टार्ट किया था, इस ईयर के पहले मंथ में ही, तो मैंने प्रेफर किया था इसमें बनाना। तो हाँ आप देख सकते हैं पिछले साल का एंडिंग यहीं से हुआ था मेरा, एंड मेरा 1 year यहाँ से कंप्लीट हुआ था। तो हाँ आप देख सकते हैं ये वाला हो चुका है, जैसा कि आप ये देख सकते हो ये टी वाला, ये वाला भी बहुत अच्छा बना है। इसमें बस प्रॉब्लम ये हुई कि चारकोल यूज नहीं किया है, तो होता क्या है कि मैं चारकोल बहुत यूज करता हूँ अपने वर्क्स में, तो मेरे को आदत रह चुकी है कि चारकोल से ही डेप्थ आती है, चारकोल से ही लाइक मेरे को फील आता है कि चारकोल ही यूज करना है मेरे को। तो हाँ ये वाला वर्क में वो प्रॉब्लम हुई थी, बाकी तो मस्त है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वाला भी था सेम क्रिस हेम्सवर्थ वाला, ये भी मैं ओके ही बोलूंगा, फन के लिए बनाया था मैंने ये। वर्क की मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे मैंने क्या थिंकिंग रखी थी, क्या कुछ रहा पता नहीं, मेरे को बस फील है कि ऐसा कुछ करते हैं तो बस बन गया, लाइक
जब मेरा माइंड ब्लैंक था तो काफ़ी अधूरे वर्क भी है स्केच बुक में जो कि मैंने कभी टच नहीं किए, बट हाँ वो मैं प्रैक्टिस वर्क से तो क्या कह सकते हैं आप। ये वाला भी मेरे को पसंद आता है, काफ़ी अच्छा सा साइन जो मेकअप वाला जो इफेक्ट है वो इसमें अच्छा आया है। क्या करते हैं हम ये वाले वर्क की। ये वाले वर्क में मैंने सब चीज़ ठीक की थी, मेरे को ऑल ओवर बहुत पसंद आता है, इसी से मेरा सिलेक्शन भी हुआ था शायद आर्ट कॉम्पिटिशन में। इसकी क्या बात करें, इसके तो पूरे साइड फ्रेम में भी फिट नहीं हो रहा होगा अगर दूर से अब दिखाऊं तो। सो ये वाला वर्क था बहुत ज़्यादा हैक्टिक, इस साल का सबसे ज़्यादा हैक्टिक वर्क मैं कह सकता हूँ इसको। एंड देख ही सकते हो आप साइज के हिसाब से, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा है ये मेरे लिए। इसको मैंने आँखों के साथ मिक्स करने की ट्राई की थी, जितना भी टेक्स्चर दिख रहा है वो मैंने शायद ऑरेंज को लेके मन में रख के ही बनाने की ट्राई की थी। एंड जो पिपिल का आप सेंटर देख सकते हो उसमें भी ऑरेंज है वो वहाँ पे मैंने चोन राइस इंस्पिरेशन लेके एंड फिर उसमें मैंने बनाया था। एंड इस साल के एंड तक मेरे को ये वाला कंप्लीट करना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है, एंड ना कि शायद होगा इस साल। इस ईयर का मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि जनवरी के एंड तक मैं इस वर्क को बना लूंगा शायद, उसमें भी शायद कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा, मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ। एंड या सो इतना ही था। अरे एक चीज तो भूल ही गया, दो वर्क और बचे हैं गाइस, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल कभी कभी भूल जाते हैं, काउंट नहीं हो पाया। एंड हाँ ये वाला वर्क आप देख सकते हो KGF का बनाया था, तो हाँ ये वाला वर्क था, पेपर नीचे गिर गया बट हाँ ये वाला वर्क था KGF का। एक थोड़ा सा इसमें ऐसा सोचा था कि इसको फोल्डेबल बनाऊंगा लाइक नॉर्मल लोगों को देखने के लिए, ना कि फ्रेम के लिए, ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं। लाइक ऐसा खोल के आप देख सकते हो अंदर पूरा पोस्टर बनाया है, काफ़ी सही लगा था ये भी उस टाइम के हिसाब से, बहुत सही वर्क बनाया ये भी। एंड हाँ इस साल का मेरा बेस्ट फेवरेट वर्क है ये जो दिखाना ही भूल गया मैं एंड तक। एंड ये वाला वर्क में मेरे को बहुत मज़ा आने वाला था क्योंकि इसमें मेरा एक्सपेरिमेंटल बेसिक्स पे मैंने पूरा वर्क डिज़ाइन किया था। पेपर को पहले तो हाथों से फाड़ के एंड उसका जो टेक्सचर है वो यहाँ पे रेप्लिकेट करने की ट्राई कर रहा था। बेस्ट वर्क है काफ़ी, मतलब इसमें डिटेलिंग आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की है, लाइक पास से दिखाऊंगा तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है लाइक, शायद ये फ्रेम में बहुत शाइन मार रहा होगा बट हाँ काफ़ी मज़ा आया था इस वर्क को बनाने में। एंड या तो ये था मेरा 2022 सारे वर्क्स। एंड अगर आपने काउंट किया तो कमेंट में बता देना, एंड अगर आपको कौन सा वर्क ज़्यादा पसंद आता है वो बता देना। नेक्स्ट ईयर के बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, नेक्स्ट ईयर बहुत सारे यूनिक वर्क्स मैं ट्राई करूँगा लाने की। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे वर्क्स अभी पेंडिंग भी पड़े जो कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ बट ख़त्म तो 2023 में ही होंगे, सो या वे कीप वेटिंग फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। एंड या स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।